टूडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट लेट स्टार्ट गर्ल्स लड़कियां प्री गर्ल्स सुंदर लड़कियां लॉन्ग हेयर लंबे बाल लार्ज आइज लंबी आंखें पीपल यू लिव लोग जो तुम्हें प्यार करते हैं या जिनको तुम प्यार करते हो डेरी हु वुड लेट मी कौन मुझे चूभने देगा नोट वन कोई भी नहीं मिस्टर लैम हु कैन टेल कौन ऐसा कह सकता है डेरी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट मैं कभी भी अलग नहीं नजर आऊँगा वेन आई एम एज ओल्ड एज यू जब मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी नहीं आई विल लुक द सेम मैं बिल्कुल वैसा ही दिखूँगा आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेज तब भी मेरा चेहरा क्या होगा आधा होगा सो यू विल तो तुम ऐसा चाहोगे तुम ऐसे ही रहोगे बट द वर्ल्ड वुड नॉट लेकिन संसार ऐसा नहीं होगा द वर्ल्ड्स गोट ए होल फील संसार का चेहरा पूरा है एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक डैड और संसार में और भी संसार क्या होगा देखने के लिए ही है डैरी डू यू थिंक तुम सोचते हो दिस इज द वर्ल्ड ये यही संसार है तुम्हारा बगीचा द ओल्ड गार्डन तुम्हारा ये बगीचा मिस्टर लैम वेन आई एम हेयर जब मैं यहाँ पर होता हूँ नोट द ओनली वन केवल यही नहीं है बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीयर वैसे ही बिल्कुल जैसे संसार किसी अन्य स्थान पर है डैरी डज यूर लैग हर्ट यू क्या तुम्हारी टांग तुम्हें कष्ट देती है मिस्टर लैम टिन ड हर्ट वाय लड़के टिन मुझे तंग नहीं करता है दर्द नहीं देता है डैरी वेन इट कम ऑफ जब ऐसा हुआ था डी डिड तब इस जब कटी थी तो क्या इसने दर्द किया था मिस्टर लैम सर्टेनली निश्चित रूप से किया होता है निश्चित रूप से एंड नाउ और अब आई मीन मेरा मतलब है वेयर स्टॉप जहां पर टिन आकर रुकता है एट द टॉप ऊपर ऊपर मिस्टर लैम अब कभी कभार इन वेट वेदर जब कोई ठंडा मौसम होता है गीला मौसम होता है तब इट इस इसके लिए कोई खास दर्द नहीं होता ओ दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से ओ लोग एक बात और भी कहते हैं क्या लुक एट ऑल दोज पीपल कि उन लोगों की तरफ देखो हु आर इन पेन जो किस इसमें होते हैं दर्द में होते हैं एंड ब्रेव बहादुर होते हैं एंड नेवर क्राई और कभी नहीं चिल्लाते हैं एंड नेवर कंप्लेन और कभी शिकायत नहीं करते हैं एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्फ और उन्हें इसके लिए कोई तरस या कोई उन्हें अफसोस नहीं होता मिस्टर लैम आई हैवेंट सेड इट मैंने ऐसा तो नहीं कहा डेरी डेरी एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल रोज ऑफ देन यू उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी अपेक्षा क्या है बुरे हालात में हैं थिंक सोचो यू माइट हैव है ब्लाइंडेड तुम अंधे हो सकते थे एंड बोर्न डीफ और तुम्हें क्या चीज़ है तुम बहरे डीफ क्या होता है बहरा और तुम बहरे पैदा हो सकते थे और या फिर हैव यू लिव इन ए व्हील व्हील चेयर और तुम्हें एक व्हील चेयर के ऊपर रहना पड़ सकता था और टू तो बी डेफ्ट डेफ्ट का मतलब क्या होता है मंदबुद्धि एंड डेफ्ट इन यूअर हैड एंड ड्रिबल और तुम मंदबुद्धि भी हो सकते थे। ड्रिबल का मतलब होता है लार टपकना और तुम्हारे मुंह से क्या है लार भी टपक सकती थी मिस्टर लैम एंड दैट इज़ ऑल ट्रू ये सारी बात क्या है सच है एंड यू नो इट और तुम इसे जानते हो इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा डू यू नो क्या तुम जानते हो वन डे एक दिन ए वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट कि एक औरत गली में मेरे पास से गुजरी आई वॉज एट द बस स्टॉप मैं बस स्टॉप पर खड़ा था एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन और वो किसके साथ थी एक अन्य औरत के साथ थी एंड शी लुकड एट मी और उसने मेरी तरफ देखा एंड शी सैड और उसने कहा विस्फर थोड़ा धीरे से बुद्ध हुए उसने सुना उसने कहा ओनली आई हर्ड हर केवल मैंने उसे सुना शी सैड उसने कहा लुक एट दैट इसकी तरफ देखो दैट इज ए टेरिबल थिंग कितनी भयानक चीज है उसने मेरा चेहरा देखा और ये कहा देखो कितनी भयानक चीज है दैट इज ए फेस ये केवल एक ऐसा चेहरा है ओनली ए मदर जिसको क्या चीज है एक माँ ही प्यार कर सकती है मिस्टर लैम सो इसलिए यू बिलीव तुम विश्वास करते हो एवरीथिंग यू हियर तुमने हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हो देन डैरी इट वॉज क्रूअल यह बड़ी क्या थी क्रूअल एक निर्दयी बात थी मे बी हो सकता है मे बी नॉट मीन हो सकता है इसका अभिप्राय ये ना हो एज सच वैसा जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम जो उनके बीच में आपस में कोई कई बात हो डैरी ओनली ओनली आई हर्ड इट आई हर्ड केवल मैंने ही इसे सुना मैंने ही केवल इसे सुना मिस्टर लैम एंड इज दैट वो ये है दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड कि जो चीज़ केवल तुमने सुनी एनिमल से जो किसी ने कही इन योर लाइफ अपने जीवन में ओ oh नो no, अरे नहीं आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स मैंने और भी कई बातें सुनी है मिस्टर लैम सो इसलिए नाउ यू कीप योर ईयर शर्ट अब तुम क्या कहो अब तुम्हें तुम्हारे कान बंद कर लेने चाहिए डेरी यू आर पर्सुलर प्रश्न को बताओ मतलब विशेष तुम बड़े विशेष हो मिस्टर लैम को कहता है तुम बड़े विशेष हो यू से पर्सुलर थिंग्स तुम विशेष अजीब बातें करते हो यू आज क्वेश्चन तुम प्रश्न पूछते हो आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड जो तुम प्रश्न पूछते हो वो मुझे समझ नहीं आते मिस्टर लैम आई लाइक टू टॉक मैं बातें करना पसंद करता हूँ मुझे अच्छा लगता है हैव कंपनी किसी का साथ अच्छा लगता है यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल तुम्हें यहाँ तनिक भी रुकने की जरूरत नहीं है द गेट इज ओपन गेट खुला है यस yes, हाँ बट परंतु मिस्टर एम आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बीज बिहाइंड दोज ओवर देयर वहां वो उन वृक्षों के पीछे क्या चीज है मक्खियों का क्या है एक छत्ता है बिहाइव बीज बिहाइंड सम हीयर बीज कुछ लोग क्या करते हैं उन मक्खियों को सुनते हैं दे से और वो कहते हैं बीज बज की जो मधुमक्खियां हैं बज मतलब भिन बिनाना वो भिन बिनाती हैं बट वेन यू लिसन टू बीज लेकिन जब तुम उन मक्खियों को सुनते हो फॉर ए लॉन्ग वाइल थोड़े लंबे समय तक दे हम तो वो क्या करती हैं हम का मतलब गुनगुनाना एंड हम मीन सिंग और हम का मतलब क्या होता है गाना आई हीयर देम मैं उन्हें सुनता हूँ सिंगिंग गाते हुए माई बीज मेरी मधुमक्खियों को बट डेरी कहना परंतु आई लाइक इट देयर मैं उन्हें मुझे वो क्या चीज़ है मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है आई केम इन मैं अंदर आता हूँ बिकॉज क्योंकि आई लाइक डिट क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती हैं वेन आई लुक्ड ओवर द वॉल जब मैं दीवार के इधर उधर देखता के ऊपर जब मैंने देखा मिस्टर लैम इफ़ यू हैड सीन मी यदि तुमने मुझे देख लिया होता यू वुड नॉट हैव कम इन तो तुम अंदर ना आते दे नो no, नहीं मिस्टर लैम नो नहीं इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग तो ये क्या होता है ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है अनाधिकृत मतलब इसमें जहाँ आना मना ही होता है मिस्टर लैम श्रीमा लैम आ दैट इज नॉट वाई यही कारण नहीं है डेरी आई डोंट नॉट लाइक बींग नियर पीपल मैं नहीं चाहता भी कोई भी लोग मेरे पास आए वैन दे स्टेयर जब वो मुझे घूरते हैं वैन आई सी दैम बींग अफ्रेड ऑफ मी जब मैं ये देखता हूँ कि जो मुझे घूरते हैं और मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं और मुझसे वो डरते हैं मिस्टर लैम यू कुड लोक यूर सेल्फ इन ए रूम तुम अपने आप को किसी कमरे में बंद कर सकते हो एंड नेवर लीव इट और तुम चाहो तो उसे कभी छोड़ नहीं सकते हो देयर वॉज ए मैन एक आदमी था हु डिड दैट जिसने बिल्कुल वैसा ही किया ही वॉज अफ्रेड वो डरता था यू सी तुम देखो कि वो हर चीज़ से डरता था ऑफ एवरी थिंग हर चीज़ से एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड संसार में हर चीज़ से ए उसने ये सोचा ए बस माइट रन ओवर हिम उसे ये डर था कि उसके ऊपर कोई बस उसे कुचल सकती थी और या ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम कि कोई आदमी उसके ऊपर क्या कर दे घातक कीटाणु फेंक सकता था और ए डोंकी माइट किक हिम और एक गधा उसे क्या कर सकता था किक मार सकता था टांग मार सकता था हिम टू डेथ और उसकी मौत हो सकती थी और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन और बिजली की कड़क उसके ऊपर उसको पकड़कर गिरा सकती थी और या फिर ही might लव ए गर्ल वो एक लड़की से प्यार कर सकता था एंड द गर्ल वुड लीव दैम वो लड़की उसे छोड़कर उसे छोड़कर चली गई एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन और वह केले के छिलके ऊपर पैर रखकर वो वह फिसल सकता था एंड फॉल गिर सकता था एंड पीपल और वो लोग who saw him जो जिन्होंने उसे देखा वुड लाफ दियर हेड्स ऑफ वो क्या करेंगे वो उसको हंस हंस कर क्या हो जाएंगे पागल हो जाएंगे सो so, इसलिए शी वेंट इन टू दिस रूम इसलिए वो अपने कमरे में गया एंड लोक द डोर और उसने क्या किया दरवाजा बंद कर लिया एंड गोट इन टू हिस्स बेड और अपने बेड पर वो बैठ गया लेट गया एंड स्ट्रेट देयर और वहीं पर वो रहा डेरी फॉर एवर क्या हमेशा के लिए रहा मिस्टर लैम फॉर ए वाइल केवल कुछ क्षण के लिए वो वहां पर रहा देन तब क्या हुआ मिस्टर लैम ए पिक्चर फेल ऑफ़ द वॉल एक पिक्चर क्या हुई दीवार से गिरी ऑन टू हिज हेड उसके सिर पर गिरी एंड किल हिम और उसने क्या किया उसको मार दिया मतलब वो मर गया डेरी लाफ से लौट डेरी बड़ी जोर के हंसता है मिस्टर लैम यू सी तुम समझे तुमने देखा डेरी बट परंतु टिल सेव पर्सन थिंग तुम्हें तुम अब भी अजीब बातें कहते हो पर्सनियस टू सम कुछ लोगों के लिए अजीब लगती हो वट डू यू डू ओल्ड तुम सारा दिन क्या करते हो मिस्टर लैम सिट इन द सन धूप में बैठता हूँ रीड बुक्स किताबें पढ़ता हूँ आ यू थोट तुम सोचते हो इट वॉज एन एम टी हाउस कि ये तुम सोचते हो कि ये कोई खाली घर है बट इन परंतु अंदर से इट इज़ फुल यह भरा हुआ है बुक्स किताबें हैं एंड अदर थिंग्स और अन्य चीज़ें भी हैं फुल सब कुछ यहाँ पर क्या है भरा हुआ है डेरी बट देयर आर एनी कर्टेंस एट द विंडोज लेकिन यहाँ पर तो खिड़कियों पर किसी प्रकार के कोई भी पर्दे नहीं हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ करटन्स मुझे पर्दों का शौक नहीं है शटिंग थिंग्स आउट एक शटिंग थिंग्स है बाहर की चीज़ों को बंद करना और शटिंग थिंग्स इन और क्या करना उसको छुपाना आई लाइक द लाइट मुझे रोशनी क्या है पसंद है एंड द डार्कनेस और मुझे क्या चीज़ है डार्कनेस अंधेरा भी पसंद है एंड द विंडोज़ ओपन और खुली खिड़कियां मुझे पसंद हैं टू द विंड ताकि मुझे हवा सुनाई देती रहे यस yes, हाँ डेरी कहता है यस yes, हाँ आई लाइक दैट मुझे वह है, पसंद है वैन इट इज़ रेनिंग जब वर्षा हो रही होती है आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ मैं इसे छत पर सुनना क्या करता हूँ पसंद करता हूँ सो so, इसलिए यू आर एंट लॉस्ट मतलब क्या है कि यू आर एंट लॉस्ट अभी भी तुमने अपने आप को खोया नहीं है आर यू क्या नहीं खोया है नॉट ऑल टूगेदर पूरी तरह से तो नहीं यू डू हियर थिंग्स तुम वो चीज़ें सुनते हो यू लिसन तुम उन्हें सुनते हो डेरी दे टॉक अबाउट मी वे मेरे बारे में बातें करते हैं डाउन स्टेयर सीढ़ियों के नीचे वैन आई एम नोट देयर जब मैं वहाँ पर नहीं होता वट विल ही एवर डू तब वो वो क्या बातें करते हैं वट इज़ गोइंग ऑन टू हैपन टू हिम वैन वी हैव गॉन जब हम चले जाएँगे तब क्या होगा तब उसका क्या होगा हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड वो इस संसार में कैसे रह पाएगा लुकिंग लाइक दैट इस तरह से इस शक्ल के साथ विद दैट ऑन हिज फेस इस चेहरे के साथ दैट इज़ वट दे से वो सारे क्या करते हैं ऐसी बातें करते हैं मिस्टर लैम लोड हे भगवान बॉय लड़के यू हैव गो टू आर्म्स तुम्हारी क्या हैं तुम्हारी दो बाजू हैं टू लेग्स दो टांगे हैं एंड आइज और आँखें हैं एंड ईयर्स और कान हैं यू हैव गोट ए टंग तुम्हारे पास एक जीबा है एंड ए ब्रेन और तुम्हारा दिमाग भी है यू विल गेट ऑन दैट वे यू वॉन्ट तुम जैसे तुम और लोगों की तरह ही भी क्या तुम और लोगों की तरह तुम जैसा चाहे लाइक ऑल दैट रेस्ट दैट रेस्ट का मतलब बाकी जैसा बाकी लोग चाहते हैं तुम वैसा ही कर सकते हो एंड इफ यू चूज यदि तुम चाहो एंड सेट योर माइंड टू इट और उसकी तरह अपना दिमाग को केंद्रित करो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेट तुम अन्य लोगों से क्या कर सकते हो अच्छा काम कर सकते हो डेरी कहते हैं हाउ कैसे मिस्टर लैम सेम वे एज आई टू बिल्कुल वैसी तरह जैसे मैं काम करता हूँ डेरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स क्या तुम्हारे कोई मित्र भी हैं मिस्टर लैम हंड्रेड सैकड़ों मेरे मित्र हैं डेरी बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस परंतु तुम तो केवल इस घर में अकेले ही रहते हो इट इज़ द बिग हाउस टू यह एक बड़ा घर है मिस्टर लैम फ्रेंड्स दोस्त एवरीवेयर हर जगह मेरे दोस्त हैं पीपल कम इन लोग अंदर आते हैं एवरीबडी नोज मी हर कोई मुझे जानता है द गेट इज़ ऑलवेज ओपन गेट हमेशा खुला होता है दे कम वे आते हैं एंड सिट हेयर यहाँ पर बैठते हैं एंड और इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर सर्दियों में आ के आगे किड्स कम फॉर द एप्पल्स जो बच्चे हैं बालक हैं वो सेबों के लिए आते हैं एंड पियर्स और आड़ू के लिए आते हैं एंड फॉर टॉफी और टॉफ़ीज़ के लिए आते हैं आई मेक टॉफ़ी विद हनी मैं शहद के साथ टॉफ़ी बनाता हूँ एनीबडी कम्स कोई भी आ जाता है सो हैव यू जिस तरह तुम आए हो बट परंतु आई एम नॉट ए फ्रेंड लेकिन मैं कोई मित्र नहीं हूँ डैरी कहता है मिस्टर लैम सर्टेनली निश्चित रूप से यू आर तुम हो सो फार एज आई एम कंसर्न जहाँ तक कि मेरा संबंध है वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम्हें अपना मित्र ना समझूं डैरी यू डोंट नो मी तुम मुझे नहीं जानते हो यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो वेयर आई कम फ्रॉम कि मैं कहाँ से आया हूँ और इवन यहाँ तक कि वट माई नेम इज़ यहाँ तक कि मेरा नाम क्या है मिस्टर लैम वाई शुड दैट सिग्निफाई कि इसका क्या मतलब है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका क्या महत्व है डो आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकल्स डाउन एंड पुट दैम इन ए फीलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन ए फ्रेंड मतलब क्या है क्या तुम्हें मित्र बनाने से पहले तुम्हारे बारे में मैं क्या करूं सारे तथ्यों को क्या करूं पर्टिकुलर तथ्यों को लिखूं और उसे क्या करूं और उसे एक बॉक्स में मैं उसको डाल दूं बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड और इससे पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हें मित्र बोलूं डेरी आई सपोज मेरा मानना है नोट नहीं नो no, नहीं मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ़ यू चूज यदि तुम चाहो एंड नोट चाहे ना चाहो इफ़ यू डिडेंट यदि तुम ना चाहो तो ना बताओ डेरी डेरी ओनली इट्स डेरिक मेरा नाम डेरी लेकिन वैसे नाम क्या है डेरैक् है बट आई हेट दैट परंतु मुझे उससे नफरत है डेरी इफ आई एम योर फ्रेंड यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ यू डोंट हैव टू बी माइन तो क्या तुम्हें मेरे मित्र होने की आवश्यकता नहीं है आई चूज दैट मैं इसका चुनाव इसका चुनाव मैं करूँगा कि मैं तुम्हारा मित्र बनूँ या ना बनो, मिस्टर लैम सटेनली निश्चित रूप से डेरी आई माइट नेवर कम हेयर अगेन मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कभी ना आऊँ यू माइट नेवर सी मी तुम मुझे शायद यहाँ पर कभी ना मिलो एंड देन और तब आई कुडेंट स्टिल बी ए फ्रेंड तब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता था या नहीं रहूँगा मिस्टर लैम वाई नॉट क्यों नहीं हाउ कुड आई कि मैं मित्र कैसे हो सकता हूँ यू पास पीपल इन द स्ट्रीट तुम सड़क यू पास तुम गली में लोगों के आगे से गुजरते हो एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम और तुम उनसे शायद बोलते भी हो बट परंतु यू नेवर सी दैम अगेन परंतु तुम्हें उन्हें कभी नहीं मिलते हो इट डजेंट मीन आर फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि वे तुम्हारे दोस्त हो गए मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है इधर डज इट क्या ऐसा है डेरी नो no, नहीं दे आर जस्ट वे बिल्कुल वे ही हैं नथिंग कुछ नहीं पीपल लोग दैट्स ऑल और कुछ नहीं मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग लोग कुछ भी नहीं होते हैं नेवर कभी नहीं डेरी देर आर सम पीपल कुछ लोग हैं आई हेट जिनसे मैं नफरत करता हूँ मिस्टर लैम दैट्स वुड यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड तुम्हें इससे क्या है तुम्हें तेजाब की बोतल की अपेक्षा तुम्हें क्या होगा इससे ज्यादा नुकसान होगा एसिड ओनली बंस यूर फेस की जो तेजाब है उससे तो केवल तुम्हारा क्या है चेहरा जला है मिस्टर लैम डेरी ओनली केवल मिस्टर लैम लाइक ए बॉम जिस प्रकार एक बॉम ने क्या किया था ओनली ब्लू अप माय लेग उसने मेरी टांग को उड़ाया था देर इज रोज थिंग्स कैन हैपन तो इससे ज्यादा भी तो बुरी चीजें हो सकती थी घटना हो सकती थी यू कैन बर्न यूर सेल्फ तुम्हारा तुम पूरे के पूरे जल सकते थे अवे इन अंदर से डेरी आफ्टर इसके बाद आई वुड कम होम मैं क्या मैं घर आया वन पर्सन सैड एक आदमी ने कहा ही वुड हैव बिन बेटर ऑफ स्टोपिंग इन देअर कि ये अच्छा होगा कि यदि वह घर में ही रहे इन दॉस्पिटल हस्पताल में ही रहे ही वुड वी बेटर ऑफ विद दो लाइक हिम सेल्फ ये अच्छा होगा कि उसके जैसे लोगों के साथ ही वो रहे शी थिंग वह सोचती है ब्लाइंड पीपल ओनली ओट टू बी कि अंधे लोगों को केवल अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड ईडियट बॉयज़ विद एडियट बॉयज और जो मूर्ख बुद्धिहीन बच्चे हैं लड़के हैं उन्हें बुद्धिहीन के साथ ही रहना चाहिए मिस्टर लैम मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर और वे लोग जिनकी टांगे नहीं हैं वो उन्हें बिना टांगों वालों के साथ ही रहना चाहिए डेरी दैट इज़ राइट बिल्कुल सही मिस्टर लैम वट काइंड ऑफ ए वर्ड वुड दैट बी तो सोचो वो संसार कैसा होगा डेरी ऐट लीस्ट कम से कम देयर वुड भी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू कम से कम वहाँ कोई भी तुम्हें घूरने के लिए तो नहीं होगा बिकॉज क्योंकि यू वन लाइक दैम क्योंकि तुम उसके जैसे नहीं हो मिस्टर लैम सो इसलिए यू थिंक तुम सोचते हो यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसिस तो तुम्हारा ख्याल है तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं जस्ट बाय वट यू लुक लाइक केवल इस कारण से कि तुम उनके जैसे दिखाई देते हो आ एवरीथिंग इज डिफरेंट हर चीज अलग है एवरीथिंग इज द सेम हर चीज़ एक जैसी है बट परंतु एवरीथिंग इज डिफरेंट परंतु क्या चीज़ है हर बात अलग है इट्स अपने आप में हर बात बिल्कुल अलग है डेरी हाउ डू यू मेक ऑल दैट यू आउट मत तुम ऐसा इतना कुछ कैसा समझते हो मिस्टर लैम वॉचिंग देखते हुए लिसनिंग सुनते हुए थिंकिंग सोचते हुए डैरी आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस मुझे इस तरह का स्थान मुझे बहुत पसंद है मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ एक गार्डन एक बगीचा आई वुड लाइक ए हाउस मैं एक ऐसा घर चाहूँगा विद नो no कर्टेंस जहाँ पर कोई भी पर्दा ना हो मिस्टर लैम द गेट इज ऑलवेज ओपन ये गेट हमेशा क्या है खुला रहता है डैरी बट दिस इज एंट माइंड परंतु यह मेरा नहीं है मिस्टर लैम एवरीथिंग इज यूअर्स हर चीज़ तुम्हारी है इफ़ यू वांटेड जिसको यदि तुम इसको चाहते हो व्हाट इज़ माइन इज एनीबडी जो कुछ मेरा है वो हर किसी का है डेरी सो so, इसलिए आई कुड कम हेयर अगेन मैं यहाँ पर फिर से आ सकता हूँ इवन इफ यदि चाहे इफ़ यू वर आउट यदि तुम बाहर हो आई कुड कम हेयर मैं यहाँ पर आ सकता हूँ मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली निश्चित रूप से यू माइट फाइन अदर्स हेयर तुम यहाँ पर अन्य को भी पा सकते हो अफकोर्स and संदेह Dairy, ओ मिस्टर लैम वेल ठीक है दैट नीड नॉट स्टॉप यू तो तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है अपने आप तुम्हें आना बंद करने की ज़रूरत नहीं है यू नीड नॉट माइंड तुम्हें बुरा मानने की जरूरत भी नहीं है Dairy, इट वुड stop देम यह उन्हें रोक देगा दे वुड माइंड मी वो मेरा बुरा मानेंगे वैन दे सा मी हेयर जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे दे लुक एट माई फेस जब वो मेरे चेहरे को देखेंगे एंड रन और क्या होंगे वो भाग जाएंगे मिस्टर लैम दे माइट शायद दे माइट नॉट शायद वो नहीं भी भाग सकते हैं यू वुड हैव टू टेक द रिस्क तुम्हें इसका खतरा मोल लेना होगा सो वुड दे और उन्हें भी खतरा मोल लेना होगा डेरी नो no, नहीं यू वुड तुम्हें खतरा मोल लेना होगा यू माइट हैव मी अगर तुम चाहो तो मुझे बुला सकते हो एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स और तुम अपने अन्य दोस्तों को खो दोगे। बिकॉज क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं होना चाहता है इफ़ दे कैन हेल्प इट यदि वे लाचार ना हो मिस्टर लैम आई हैव नॉट मोड मैं तो नहीं भागा तुमसे डेरी नहीं मिस्टर लैम वेन आई गो डाउन टू द स्ट्रीट जब मैं गली से गुजरता हूं द किड्स शाउट लैमी लैम तो जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे लैमी लैम बुलाते हैं बट दे स्टिल कम इन द गार्डन परंतु वो बच्चे अभी भी एक बगीचे में आते हैं इन टू माई हाउस मेरे घर में आते हैं इट इज द गेम ये तो क्या चीजें ये तो केवल क्या है एक खेल है दे आर एंट अफ्रेड ऑफ मी वे मुझसे डरते नहीं हैं अफ्रेड ऑफ का मतलब डरना वाई शुड दे बी वो मुझसे क्यों डरें बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ देट इज़ वाई नॉट इसलिए वो मुझसे नहीं डरते हैं डेरी डिड यू गेट यूर लेग ब्लोन ऑफ इन द दार क्या तुम्हारी जो टांग है वो किसी युद्ध में उड़ी थी मिस्टर लैम सर्टेनली निश्चित रूप से डेरी हाउ विल यू क्लाइम ऑन लैडर तुम एक सीढ़ी के ऊपर कैसे कैसे चढ़ोगे एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन और पके हुए सेबों को कैसे गिराओगे देन तब मिस्टर लैम ओ देर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी कई चीज़ें हैं आई हैव लर्न टू डू जो मैंने सीखी हैं एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट और इसके लिए बहुत सा समय है ईयर्स कई साल लगे हैं आई टेक इट स्टडी और मुझे क्या है मैं इन्हें कसकर पकड़ता हूँ डेरी इफ़ यू फेल यदि तुम गिरते हो एंड ब्रोक योर नेक और तुम्हारी गर्दन टूट जाती टूट जाए यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई तुम घास पर गिर सकते हो और मर सकते हो इफ़ यू वर ऑन यूर ऑन यदि आप यहाँ पर अकेले हो मिस्टर लैम आई कुड ऐसा हो सकता है डैरी यू सैड तुमने कहा आई कुड हेल्प यू कि क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ मिस्टर लैम इफ़ यू वॉन्ट टू यदि तुम ऐसा चाहते हो डैरी बट परंतु माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम लेकिन मेरी माँ चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ इट इज़ थ्री माइल्स होम मेरा घर यहाँ से तीन मील दूर है द फील्ड्स उन खेतों के पार आई एम फोर्टीन मैं चौदह साल का हूँ बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम लेकिन वो अब भी चाहते हैं कि मैं बताऊँ उन्हें कि मैं कहाँ पर हूँ मिस्टर लैम पीपल वरी लोग क्या करते हैं लोग चिंता करते हैं पीपल फर्स्ट फिस्ट का मतलब क्या होता है नाराज होना लोग क्या होते हैं नाराज़ होते हैं लोग नाराज़ होते हैं गो बैक वापिस जाओ एंड टेल डैम और उन्हें बताओ डेरी इट इज़ थ्री माइल्स यहाँ से क्या ये तीन मील तीन मील मेरा घर दूर है मिस्टर लैम इट इज़ अ फाइन इवनिंग बड़ी अच्छा ही अच्छी शाम है यू हैव गोट लेग्स तुम्हारे पास क्या है? टांगे हैं टागे हैं डैरी वंस आई गोट होम एक बार मैं घर पहुँच गया दे वुड नेवर लेट मी कम बैक वो मुझे वापस नहीं आने देंगे मिस्टर लैम वंस एक बार यू गोट होम यदि तुम एक बार घर पहुँच गए यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक तो तुम खुद मेरे पास अपना वापस नहीं आओगे डैरी यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो वट आई को डू कि मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर लैम मिस्टर लैम कहते नो नहीं ओनली यू नो दैट केवल तुम ही जानते हो डेरी इफ़ आई चूज़ यदि मैं चाहूँ मिस्टर लैम आ इफ़ यू चूज़ यदि तुम चाहो आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय लड़के मैं हर बात को नहीं जानता हूँ आई कैन टेल यू आई कॉन्ट टेल यू वट टू डू मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए डैरी दे टेल मी वे मुझे ऐसा बताते हैं मिस्टर लैम यू डू यू हैव टू एग्री क्या तुम इस बात से तुम्हें क्या तुम इस बात से सहमत होते हो क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है डैरी आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ वट आई वांट कि मैं क्या चाहता हूँ आई वांट मैं क्या चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोड और एवर विल हैव मतलब क्या चीज़ है कि ए, कुछ ऐसा जो किसी के पास नहीं है और न कभी होगा लाइक दिस गार्डन इस बगीचे की तरह आई डोन्ट नॉट नो वट इट इज़ मुझे नहीं पता कि यह क्या चीज़ है मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट तुम इस बात का पता लगा सकते हो डेरी हाउ कैसे मिस्टर लैम वेटिंग इंतजार करते हुए वॉचिंग देखते हुए लिसनिंग सुनते हुए सिटिंग हेयर यहाँ पर बैठे हुए गोइंग देयर वहाँ जाते हुए आई विल हैव टू सी टू द बीज तो मुझे क्या चीज़ है मुझे मक्खियों से क्या चीज़ है कि मुझे उन मक्खियों से देखना होगा डेरी दोज वो अदर पीपल हु कम हेयर वो लोग जो यहाँ पर आते हैं डू दे टॉक टू यू क्या वो तुमसे बात करते हैं आस्क यू थिंग्स क्या तुमसे वो चीज़ों के बारे में पूछते हैं मिस्टर लैम सम डू कुछ ऐसा करते हैं सम डोंट कुछ ऐसा नहीं करते हैं आई आस्क देम मैं उनसे पूछता हूँ आई लाइक टू लर्न मुझे सीखना पसंद है डेरी आई डोंट बिलीव इन दैम मुझे उन पर विश्वास नहीं है आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ एनीबडी एवर कम्स भी कोई भी यहाँ पर आता है यू आर हेयर तुम यहाँ हो ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बॉडी केयर्स मतलब क्या है यदि तुम क्या हो यदि तुम तुम अकेले यहाँ हो एंड क्या हो मिजरेबल दुखी हो एंड नो वट नो और कोई ये नहीं जान पाएगा कि क्या तुम जिंदा हो या क्या तुम मर गए कोई इस बात की परवाह नहीं करेगा मिस्टर लैम यू थिंक तुम सोचते हो वट यू प्लीज वट यू प्लीज तो कृपया तुम ऐसा सोच यू थिंक वट यू प्लीज तुम क्या सोचते हो डैरी ऑल राइट देन चलो ठीक है मी मुझे बताओ सम ऑफ दियर नेम उनका कुछ का मुझे नाम बताओ मिस्टर लैम वट आर नेम्स कि नाम में क्या रखा है टॉम डिक एंड हैरी गेटिंग अप खड़े होते हुए आई एम ऑफ डाउन टू द बीज मैं मधुमक्खियों की ओर चला डैरी आई थिंक मैं सोचता हूँ यू आर डेफ्ट तुम क्या हो डेफ्ट का मतलब क्या होता है मूर्ख मूर्ख कौन से मतलब जिनके मुंह से लार गिरती है क्रेजी पागल हो मिस्टर लैम दैट इज़ ए गुड एक्सक्यूज़ज़ बड़ा अच्छा बहाना है डेरी वट फॉर किस लिए यू डोंट टॉक सेंस तुम बुद्धिमत्तापूर्वक बातें नहीं करते हो मिस्टर लैम मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नोट टू कम बैक यहाँ वापिस आने का यहाँ वापिस नहीं आने का बहाना अच्छा बहाना है यू हैव गोट ए बर्न फेस तुम्हारा चेहरा क्या है जला हुआ है एंड देट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़ ये अन्य लोगों का क्या है बहाना है डेरी यू आर लाइक द अदर्स तुम अन्य लोगों की तरह हो यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट तुम उनकी तरह बातें करना पसंद करते हो। If यू डोंट फील सॉरी फॉर my फेस यदि तुम मेरे चेहरे के लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता है यू आर फ्राइटेंड of it, तो तुम क्या हो तो तुम इससे डरते हो एंड और यू आर नॉट फ्राइटेंड यदि तुम नहीं डरते हो यू थिंक तुम सोचते हो आई एम ugly एज ए डेविल कि मैं एक शैतान की तरह बदसूरत हूँ आइए मैं डेविल तो मैं क्या हूँ तो मैं कोई शैतान हूँ डोंट यू क्या तुम नहीं सोचते हो शाउट्स डेरी चिल्लाता है मिस्टर लैम डजन रिप्लाई मिस्टर लैम है वो इस बात का उत्तर नहीं देते हैं ही हैज़ गोन टू हिज बीज वो अपनी मक्खियों के पास चले गए हैं डेरी क्वाइटली चुपचाप शांति से नो no, नहीं यू डू नॉट तुम नहीं आई लाइक इट हेयर मैं यहाँ आऊँगा मुझे यह स्थान पसंद है पास रुकता है डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स डेरी उठता है और क्या करता है चिल्लाता है आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ बट परंतु आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा यू सी तुम देखना यू वेट तुम इंतज़ार करना आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूँ आई हैव गोट आई हैवेंट गोट ए टिन लेग मेरी कोई टिन की टांग नहीं है आई विल बी बैक मैं वापस आऊँगा डैरी रन्स ऑफ डेरी क्या करता है चिल्ला शांति में भाग जाता है साइलेंस चुप्पी हो जाती है द साउंडस ऑफ द गार्डन अगेन और बगीचे की आवाज़ क्या होती है फिर से आ जाती है मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ अपने आप से देर आर माई डियर्स देर आर माई डियर्स ये मेरे प्यारे हैं देट इज़ यूर सीन टू डू तुम ये सब देख चुके हो आ यू you नो know, तुम जानते हो यू वी ऑल नो हम सभी जानते हैं आई come कम बैक कि मैं वापस आऊँगा दे नेवर डू कहते तो हैं लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते हैं दो यद भी नोट them वो नहीं नेवर डू कम बैक वे वापस नहीं आते हैं द गार्डन noise फेड जो बगीचे का शोर है वो धीरे धीरे क्या होता है समाप्त हो जाता है सीन टू दृश्य दो डेरीज हाउस डेरी का घर मदर माँ यू थिंक तुम सोचती हो तुम सोचते हो आई डोंट नो अबाउट हिम कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता यू थिंक तुम सोचते हो आई हैवंट हियर थिंग्स कि क्या मैंने कभी वो चीज़ें नहीं सुनी है डैरी यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर जो तुम सुनते हो तुम्हें उन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए मदर माँ बीन टोल्ड मुझे बताया गया है वारंट चेतावनी दी गई है वी हैव not लिव्ड हेयर थ्री months. अभी हमें यहाँ पर आए हुए हमें तीन महीने भी नहीं हुए हैं बट परंतु आई नो मैं जानती हूँ वट देयर इज टू नो भी किस को जानना है एंड यू आर not टू गो बैक देयर और तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है डेरी वट आर यू of तुम्हें किस बात का डर है वट डू यू थिंक तुम क्या सोचती हो ही वो कैसा है क्या है एन ओल्ड मैन वो तो एक बूढ़ा आदमी है विद्य टिंग लैंड जिसकी एक ट्रेन की टांग है एंड ही लिवस इन ह्यूज हाउस विदाउट करटेंस एंड हैज़ ए गार्डन वो ऐसे घर में रहता है एक ऐसे विशाल घर में रहता है जिसके पर्दे नहीं हैं एंड हैज़ ए गार्डन और उसका एक बगीचा है एंड आई वॉन्ट टू बी देर मैं वहाँ पर होना चाहता हूँ एंड सीट बैठना चाहता हूँ लिस्सन टू थिंग्स और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ लिस्सन एंड लुक सुनना और देखना मदर लिस्सन टू वट क्या चीज़ सुनना क्या चीज़ सुनना बीज मक्खियों का भिन भिनाना हम सिंगिंग टॉकिंग बातें करना मदर एंड और वट इज़ ही गोट टू से यू उसने तुम्हें क्या बताया है उसने तुमने उसने उसके पास तुम्हें कहने के लिए क्या है डेरी थिंग्स ऐसी चीज़ें देट मैटर महत्वपूर्ण बातें जो मतलब रखती हैं थिंग्स नो बडी है एवर सेट ऐसी चीज़ें जो किसी ने मुझे आज तक नहीं कही हैं थिंग्स ऐसी चीज़ें आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट जिसके बारे में मैं सोचना चाहूँ मदर माँ देन तब यू स्टे हेयर तुम यहाँ ठहरो एंड डू योर थिंकिंग और तुम विचार करो यू आर बेस्ट ऑफ हेयर तुम यहीं पर अच्छे हो तुम यहीं पर ठीक हो डेरी आई हेट इट देयर मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता मैं इससे नफरत करता हूँ मदर यू कॉन्ट हैल्प थिंग्स यू से जो कुछ तुम कहो उस पर तुम्हारा बस नहीं है आई फोर गिव यू मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील मतलब क्या है तुम्हें बुरा मानना अवश्य है एंड फील बैड थिंग तुम्हें बुरा भी लगता है एंड से देम उन्हें कहो आई डोंट ब्लेम यू मैं तुम पर इसका दोष नहीं देती हूँ डेरी इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस मेरे चेहरा फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक इसका मेरे चेहरे या मैं कैसा दिखता हूँ इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है आई डोंट केयर अबाउट दैट मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ दैट की इट इज इट इजेंट इम्पोर्टेंट ये महत्वपूर्ण नहीं है इट इज़ वट आई थिंक ये वो है कि मैं क्या सोचता हूँ एंड फील क्या महसूस करता हूँ एंड वट आई वॉन्ट टू सी और मैं कैसा दिखाई देना चाहता हूँ एंड फाइंड आउट और क्या पता लगाना चाहता हूँ एंड हियर और सुनना चाहता हूँ एंड आई एम गोइंग बैक देयर और अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ओनली टू हेल्प मी विद द क्रैप एप हेल्प हिम विद द क्रैप एप्पल्स केवल उसके जो पके हुए सेब हैं उनको तोड़ने में मैं उनकी सहायता करने के लिए जा रहा हूँ ओनली टू लुक एट थिंग्स केवल उन चीज़ों को देखने के लिए जा रहा हूँ एंड लिस सुनने के लिए जा रहा हूँ बट परंतु आई एम गोइंग परंतु मैं जा रहा हूँ मदर यू विल स्टॉप हेयर तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा डेरी ओ नो अरे नहीं ओ नो नहीं बिकॉज क्योंकि इफ़ आई डोंट बैक इफ़ आई डोंट गो बैक डेयर यदि मैं वहाँ पर वापिस नहीं गया आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन और मैं इस संसार में कहीं नहीं जा पाऊँगा द डोर स्लैम्स और दरवाज़ा क्या है एकदम से बंद होता है डेरी रंस डेरी दौड़ता है पेंटिंग हाफते हुए एंड आई वांट द वर्ड मैं एक ऐसा संसार चाहता हूँ आई वांट इट मैं उसे चाहता हूँ आई want इट मुझे वो चाहिए द साउंड्स ऑफ फेंटिंग फेड्स और हाँफने की आवाज़ क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है सीन थ्री दृश्य तीन मिस्टर लैम्स गार्डन मिस्टर लैम का बगीचा गार्डन साउंड्स बगीचे की आवाज़ द नॉइस ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग क्या चीज़ है किसी डाल की शिफ्ट मतलब हिलने इसी डाल के हिलने के आवाज का शोर एप्पल्स थम्बिंग डाउन सेबों के गिरने की आवाज़ द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन और ब्रांच एक डाल का फिर से हिलना मिस्टर लैम स्टेडी बिल्कुल सीधे दैट इज़ गोट इट पकड़ लिया मोर एप्पल्स फॉल और ज़्यादा सेब नीचे गिरते हैं एंड अगेन और फिर से दैट इज इट बिल्कुल सही एंड और एक क्रैक तब क्या हुआ एक क्रैक की आवाज़ आई चटकने की आवाज़ आई एक क्रैश गिरने की आवाज़ लैडर फॉल्स बैग जो जो सीढ़ी थी वो नीचे गिरी मिस्टर लैम्स विदिट मिस्टर लैम के साथ ए थम धम से द ब्रांच श्विशीज बैग और जो डाल थी वापस उठ गई क्रैक्स और फिर से क्या हुई एक चटने की आवाज आई देन तब साइलेंस खामोशी डेरी ओपन्स द गार्डन्स गेट डेरी बगीचे का गेट खोलता है स्टिल पेंटिंग अभी भी वो क्या कर रहा है वो हाँफ रहा है डैरी यू सी तुम देखो यू सी तुम देखो आई केम बैक मैं वापिस आ गया यू सैड तुमने कहा था आई वॉन्ट मैं नहीं आऊँगा एंड दे सैड और उन्होंने कहा बट परंतु आई केम बैक मैं वापिस आ गया आई वॉन्टिड मैं यहाँ आना चाहता था ही स्टॉप्स वह रुकता है एंड साइलेंस और क्या हो जाती है खामोशी हो जाती है मिस्टर लैम मिस्टर लैम यू हैव आप ही रन्स थ्रू द ग्रास वो घास के बीच में से क्या करता है दौड़ता है stops रुकता है नील्स और घुटनों के बल क्या होता है बैठ जाता है मिस्टर लैम मिस्टर लैम इट इज़ ऑल राइट सब ठीक ठाक है यू फेल तुम गिर गए आई एम हेयर मैं यहाँ पर हूँ मिस्टर लैम इट इज़ ऑल राइट बिल्कुल क्या है सब कुछ ठीक ठाक है मिस्टर लैम साइलेंस और क्या होती है खामोशी छा जाती है आई केम बैक मैं वापिस आ गया मिस्टर लैम मैं वापिस आ गया लैमी लैम मैं वापिस आ गया आई डिड सचमुच कम बैक मैं वापिस आ गया डेरी बिगेंस टू वीप डेरी क्या करता है रोने लगता है बिकॉज जो मिस्टर लैम होते हैं वो मर चुके होते हैं वेल स्टूडेंट्स नाउ द चैप्टर हैज़ बिन कम्पलीटेड नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर टिल देन स्टे होम स्टे हेल्दी स्टे सेफ जय in